हेलो बच्चों वी हैव अ क्वेश्चन द क्वेश्चन इज दैट ए चोक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड जीरो पॉइंट हेनरी इज इन सीरीज विथ ए कैपेसिटेंस ऑफ टेन माइक्रोफेराट इफ वोल्टेज ऑफ 200 हंड्रेड वोल्ट इज अप्लाइड एंड द फ्रिक्वेंसी इट एडजस्टेड टू द करेंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस आर आई नॉट वी नॉट एंड वी वन कैपेसिटेंस द करेंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस inductance एंड कैपेसिटेंस ओके आर सो देखो हमारे पास क्या एल सी आर सर्किट है और ये क्या है रेजुनेंस में तो रेजुनेंस में तो रेजुनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर रेजुनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वन बाई टू पाई इंटू एल सी राइट यस सरती हो जाएगा वन बाई टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल इज जीरो पॉइंट सिक्स हैंनरी इंटू सी इज टेन इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कुलम सॉरी फेराडे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देगा मुझे सिक्सटी फाइव हर्ट्ज ओके यस सर अब देखो हमसे क्या पूछा गया है रेजोनेंस कंडीशन में करंट क्या होगा तो रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट होता है वो क्या होता है V बाई आर होता है क्योंकि Z इक्वल टू क्या हो जाता है Z इक्वल टू आर हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशन में तो V कितना है 200 और R कितना है सर R हमारे पास 5 ओम तो ये आ गया कितना ये आ गया सर हमारे पास फोर्टी एम तो आई नॉट इज क्या होगा हो सर वी हो जो वी नॉट क्या है अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज वी नॉट एंड वी वन तो सर ये हो जाएगा आई एक्सएल क्या हो जाएगा आई नॉट इन एक्सेल डेट विल बी इक्वल टू हाउ मच XL का वैल्यू कितना होगा ओमेगा एल ओमेगा कितना होगा वन बाई रूट अंडर सॉरी ये मालूम है फ्रीक्वेंसी मालूम है ना चलो तो टू पाई एफ कितना 65 into, कितना ये है जीरो पॉइंट सिक्स हेनरी डेट विल बी इक्वल टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास नाइन पॉइंट एट किलो वोल्ट ओके क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट एट किलो वोल्ट ये किसके अक्रॉस होगा वी नॉट अक्रॉस इंडक्टेंस अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है रेजोनेंस में होता है वी नॉट इक्वल टू वी के सी मतलब क्या वी एल इक्वल टू वी सी होता है मतलब इंडक्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही किसके अक्रॉस होगा वोल्टेज मतलब सर वो होगा कैपेसिटेंस के क्रॉस तो नाइन पॉइंट एट किलो वोल्ट भी हो जाएगा और नाइन पॉइंट एट ये भी हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा दिस वन इज द करेक्ट आंसर तो आंसर आ गया हमारे पास वन टू एंड थ्री वन टू थ्री